सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हिमांशु। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आधार कार्ड के बिना आज आपका कोई काम नहीं हो सकता है। फिर चाहे वो स्कूल में एडमिशन्स हो, बैंक में कोई काम हो या कहीं पर भी, या सबसे पहले आपका आधार कार्ड मांगा जाता है। तो दोस्तों, आधार जारी करने वाली सरकारी संस्था UIDAI ने एक आधार कार्ड का जो मल्टीपल अपडेट है उसकी फ़ीस को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट जारी किया है। आप ये ट्विटर पर उनका ट्वीट देख सकते हैं। तो ये क्या अपडेट है और इस चीज़ को आपको जानकारी में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि कभी न कभी आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि वो अपडेट क्या है आधार कार्ड को लेकर। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो नीचे लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों, बात करते हैं अब आधार कार्ड के अपडेट की। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आपके आधार कार्ड में कोई गड़बड़ी है और आप उसे सही कराने जाते हैं, लेकिन मल्टीपल अपडेट करते हैं, तो वहां पर आपसे 150 से 200 या 250 रुपये तक फीस ले ली जाती थी, आपसे चार्ज लिया जाता था। लेकिन अब आधार कार्ड ने ट्वीट करके, आप एक बार फिर ये ट्वीट देख सकते हैं, उनका स्पष्ट कर दिया है कि अब आपको सिर्फ वहाँ पर 50 रुपये देने होंगे मल्टीपल अपडेट के। आप चाहे एक बार वहाँ पर चेंजेस कराएं, चाहे बार बार आप वहाँ पर चेंजेस कराएं, फिर चाहे आपका नाम चेंज कराना हो, आपका एड्रेस चेंज कराना हो, या किसी भी तरह की अगर आपके आधार कार्ड में फॉल्ट है और आपको सिर्फ वहाँ पर अब 50 रुपये देने होंगे। अगर आपको कोई ज़्यादा पैसे मांगता है तो UIDAI ने जो है एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। वो नंबर अभी हम आपको बताते हैं क्या है। वहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं या इनकी वेबसाइट पर भी जाकर उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उस नंबर की अगर बात करें तो वो नंबर है 1947। इस नंबर पर कॉल करके आप कंप्लेन कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आप ऑनलाइन भी कंप्लेन कर सकते हैं इनकी वेबसाइट में जाके residence.uidai.gov.in/file-complaint। तो यहाँ पर जाकर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी अपडेट है, आपको इस चीज़ की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि अब आपको अगर मल्टीपल चेंज कराते हैं अपने आधार कार्ड में तो आपको 50 रुपये से ज़्यादा नहीं देना है। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी मेरे पास भी ज़रूर बताइए दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।